45 साल पुरानी। हाँ जी। तो मतलब आपका पहले भी आपका कोई लगाता होगा? फादर या पहले दादाजी लगाते थे, फिर पापा, फिर अब मैं कर रहा हूँ। तो मतलब थर्ड जनरेशन पुरानी दुकान है ये। हाँ, तीन जनरेशन से चल रही है। और ये क्या है? ये धनिया पुदीने की चटनी है भैया। ये धनिया पुदीना की चटनी थी। तो भाई इनके पास कुल्चों की भी वैरायटी है, आटे और मैदे के हैं। जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है उनको आटे वाला कुल्चा मिल जाएगा। ये वाला कुल्चा जो है ये आटे का है। इसका प्राइस बताओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू Y&M फूडी। तो भाई वैसे तो दिल्ली में आपने काफ़ी जगह छोले कुल्चे खाए होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह में आए हैं जिनके छोले कुल्चे फेमस है स्विमिंग पूल के नाम से। वैसे तो इनकी दुकान का नाम है रोंदे स्पेशल छोले कुल्चे। तो चलिए देखते हैं कि स्विमिंग पूल वाले छोले कुल्चे के पीछे का रीज़न क्या है, दिखाएंगे कैसे वो बनते हैं और भैया से चल के बात करते हैं। आइए फिर। भाई ये इनकी दुकान है, छोटा सा कार्ट है, साइकिल के ऊपर ही इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे आराम से रखी हुई हैं। सारी सब्जियाँ हो गई, टमाटर, नींबू, सैनिटाइज़र रखा हुआ है। और ये देखो, अब इनके छोले दिखाता हूँ आपको अंदर से। तो भैया नाम बताओगे अपना? मेरा नाम रोहन है। और कितने टाइम पुरानी दुकान है ये? ये सर 45 ईयर्स हो गए इसको। 45 साल पुरानी। हाँ जी। तो मतलब आपका पहले भी आपका कोई लगाता होगा? फादर या पहले दादाजी लगाते थे, फिर पापा, फिर अब मैं कर रहा हूँ। तो मतलब थर्ड जनरेशन पुरानी दुकान है ये। हाँ, तीन जनरेशन से चल रही है। हाँ, तो भैया हमें बताओगे ऐसा क्या आपके छोले कुलचों में जो स्विमिंग पूल के नाम से ये फेमस है, ऐसा क्या बनाते हो आप, क्या मिलाते हो इनमें? वो अलग तरीके से बना जाता है। तो हमें दिखाओगे एक बार बना के? बिल्कुल दिखाएंगे। तो चलिए यार, अपने लिए भी लगवाते हैं स्विमिंग पूल वाले छोले कुलचे और दिखाऊंगा आपको मैं कि क्या ऐसा खास है उनमें कि वो स्विमिंग पूल के नाम से फेमस है। ये हमारे लिए लग रहा है भैया? हाँ जी। मिर्ची बताओ। मिर्ची नॉर्मल भैया। प्याज, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, ये टमाटर। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जैसे काफ़ी जगह में छोले कुलचे छोले होते हैं वो बहुत सारा बना के रख देते हैं वो लोग। यहाँ पे कस्टमाइज है, किसी को मसाला कम ज़्यादा करना है तो काला मसाला, नमक, पीली मिर्च। काला मसाला, गरम मसाला, नमक और पीली मिर्च, तीन मसाले डाले इन्होंने। और ये क्या है? ये धनिया पुदीने की चटनी है भैया। ये धनिया पुदीना की चटनी थी। और यही मसाले हैं जिसकी वजह से इसमें चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये देखो भाई, इन्होंने बीच में बना दिया स्विमिंग पूल इसके। दोबारा मसाले डाल रहे हैं और ज़्यादा उसको स्पाइसी, तीखा, चटपटा बनाने के लिए। तो ये मेरे को लगता है यही है जिसकी वजह से स्विमिंग पूल के नाम से फेमस है, क्योंकि बीच में इन्होंने पूल बना दिया है। तो भाई इनके पास कुल्चों की भी वैरायटी है, आटे और मैदे के हैं। जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है उनको आटे वाला कुल्चा मिल जाएगा। ये वाला कुल्चा जो है ये आटे का है। इसका प्राइस बताओगे भैया? ये 70 की प्लेट है। अच्छा, ये 60 की प्लेट है। जो आटे वाला कुल्चा है वो 70 रुपये की प्लेट है, जिसमें आपको तीन कुल्चे मिलेंगे। और जो मैदे वाला है वो 60 रुपये की प्लेट है, जिसमें तीन कुल्चे आपको मिलेंगे। तो मैंने अपने लिए दो मैदे के कुल्चे लगवाए हैं, एक आटे का कुल्चा लगवाया है। और बटर में ये सेक रहे हैं। बटर कौन सा होता है भैया? अमूल का बटर है, उसमें सेक रहे हैं और ऊपर से इन्होंने धनिया डाला है। तो भाई ये देखो, ये मेरी प्लेट लग चुकी है। छोले कुलचे हैं, सलाद है और ये रायता दिया है इन्होंने। 20 रुपये की है ये बॉटल, जिसमें बूंदी वाला रायता है। और स्विमिंग पूल वाले स्पेशल छोले कुलचों की खासियत आपने देखी होगी कि ये पहले साइड में छोले डालते हैं और बीच में शायद धनिया पुदीने का पानी था और टमाटर का पानी था वो डालते हैं और ऊपर से नींबू निचोड़ देते हैं। तो बीच में इसका ये पूल सा बन जाता है जो आपको दिख रहा होगा शायद, ये इसकी वजह से इसको स्विमिंग पूल वाले छोले कुलचे कहा जाता है। तो अब मैं इनको खा के देखता हूँ कि टेस्ट इसका कैसा है, टेस्ट में भी कुछ खास बात है या सिर्फ दिखने में खास है। तो एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। तो अपनी बाइट लेता हूँ मैं। खाने में अच्छे हो रहे हैं और काफ़ी स्पाइसी हो रहे हैं, चटपटे हो रहे हैं काफ़ी। और जो ये आटे का कुलचा है यार, ये खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। और साथ में चटपटे छोले कुलचे, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, 60 और 70 रुपये। अगर आपको मैदे वाले कुलचे लेने तो 60 रुपये के हैं, और अगर आपको आटे वाले कुलचे लेने तो 70 रुपये के हैं। और साथ में मैंने ये रायता भी लिया जो कि 20 रुपये का, ये भी ट्राई करके एक बार देख लेता हूँ। और
रायता भी अच्छा हो रहा है, बूंदी के साथ साथ इन्होंने इसमें प्याज वगैरह खीरा भी डाला हुआ है। ओवरऑल मेरे को पसंद आया यार, मज़ा आया। चटपटे छोले कुलचे हैं और स्पेशली इनका कुलचा जो आटे वाला है, आज तक मैंने कहीं नहीं खाया आटे वाला कुलचा। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, 60-70 रुपये में अच्छा कॉम्बिनेशन है, पसंद आया मुझे। तो मैं आपको इनकी एक बार लोकेशन बता देता हूँ, ये है सुभाष नगर छतरीवाला पार्क के सामने ही लगाते हैं और सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से ये 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।